वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर कॉलेज में एडमिशन के इच्छुक जो भी विद्यार्थी है या युवा है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से एक आज जो लेटर जारी हुआ है, उसमें दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को ये जारी हुआ है, और जिसमें समस्त प्राचार्य प्राचार्य समस्त राजकीय महाविद्यालय विधि और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट को छोड़ करके अन्य जितने भी राजकीय महाविद्यालय राजस्थान के, उनके लिए है। और विषय है कि स्नातक पार्ट प्रथम यानी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के प्रथम वर्ष के लिए रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया है, उसके संबंध में ये निर्देश है। अब जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में एक बताया था कि जो रिक्त स्थान हो गए थे उनके लिए ऑनलाइन आवेदन है आमंत्रित किए गए थे, उसके पूरी प्रोसेस और उसका पूरा शेड्यूल भी मैंने बताया था। अब आज जो निर्देश जारी हुआ अपडेट है वो ये है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेकर है कि स्नातक पाठ प्रथम के लिए रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया तिथियां जो भी हैं वो निम्नानुसार रहेगी। अब जैसे ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम 2022-23 का जो पाठ स्नातक पाठ प्रथम है यानी फर्स्ट ईयर का है, उसमें रिक्त पदों के लिए प्रतीक्षा सूची का जो प्रकाशन है वो बुधवार 12/10 यानी कि कल बुधवार को ये प्रतीक्षा सूची है वो जारी हो जाएगी, वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद में वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको मूल दस्तावेजों का सत्यापन कॉलेज में जाकर के करवाना है, और उसके बाद में ई मित्र पोस्टिंग जो ई मित्र पे आपको जो भी फीस है उसको जमा कराने की अंतिम तारीख है वो मंगलवार 18/10 तक है, यानी 18/10 तक आपको किसी भी हालत में जो कॉलेज की फीस है वो आपको ई मित्र पे जमा करानी है, और ई मित्र पोस्टिंग और इसमें अभ्यर्थी द्वारा ई मित्र पे शुल्क जमा कराने की तारीख 19 तक है यानी 19/10 तक है, और प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का जो प्रकाशन है वो 21 तारीख शुक्रवार को किया जाएगा, यानी जिनकी भी फीस हो जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उनका प्रवेश हो जाएगा, और उनकी जो सूची है वो 21/10 यानी 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। और उक्त प्रवेश कार्यक्रम का सभी माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रचार करें, और COVID-19 के मद्देनजर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार विद्यार्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की प्रक्रिया सुनिश्चित करें, यानी कि ये संयुक्त निदेशक अकादमिक यानी कॉलेज शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो आदेश है इसमें जो शेड्यूल दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों के लिए जो भी वेटिंग लिस्ट है उसका प्रकाशन है कल हो जाएगा, उसके बाद में आपको कॉलेज में जाकर के अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो आपको DC ऐप में जो भी साइट है उसमें जाकर के आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, आप अपने नाम से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन आईडी जो आपने फॉर्म भरा उसके आधार पर भी कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको 18 तारीख तक कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद में ई मित्र से संपर्क करके आपको फीस जमा करानी है 19 तारीख तक, और उसके बाद में 21 तारीख को आपको जो प्रवेश की सूचना है वो आपके वहाँ प्रकाशित की जाएगी, कॉलेज में आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसी तरह की किसी भी संबंध में किसी भी कंपटीशन से संबंधित या शाला दर्पण पे मैनेजर या किसी भी तरह के GK के संबंध में अगर और कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।